हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू द टैक्स एक्सप्रेस। जीएसटी में पिछले कुछ समय से इम्पोर्टेंट जजमेंट आ रहे हैं और इन सभी जजमेंट्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट की जा रही है। अब इसी कड़ी में एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट द्वारा आयशर मोटर्स के केस में 23 जनवरी 2024 को डिलीवर किया गया है। इस केस में पिटिशनर टेक्निकल ग्लिच के चलते ट्रान1 के थ्रू अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ सैनवेट क्रेडिट पिटिशनर के ई क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से पिटिशनर द्वारा जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 तक की जीएसटीआर 3B रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं की जा सकी। लेकिन इस संबंध में पिटिशनर ने अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ईच मंथ विद इन ड्यू डेट टैक्स डिपॉजिट करा दिया था। लेटर ऑन पिटिशनर ने ट्रान1 रिवाइज किया और उसके बाद ट्रांजिशन क्रेडिट उसकी ई क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होने पर उसने अपनी पेंडिंग जीएसटीआर 3B रिटर्न्स जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 तक फाइल की। लेकिन ड्यू डेट के बाद इन रिटर्न्स को फाइल करने के कारण डिपार्टमेंट ने पिटिशनर पर इंटरेस्ट की हैवी डिमांड क्रिएट की, जिसके अगेंस्ट पिटिशनर ने ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट में रिट पिटिशन के जरिए चैलेंज किया। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पिटिशनर ने ईच मंथ की अपनी टैक्स लायबिलिटी को विद इन ड्यू डेट जीएसटी पोर्टल पर PMT 06 चालान के थ्रू पे किया है और ये अमाउंट पोर्टल पर उसकी ई कैश लेजर में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। PMT 06 के जरिए पेमेंट करने पर RBI के थ्रू ये पेमेंट गवर्नमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और इसी सिचुएशन में ये माना जाएगा कि पिटिशनर ने अप टू द अमाउंट डिपॉजिटेड अपनी टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में पिटिशनर की टैक्स लायबिलिटी उसी डेट से डिस्चार्ज मानी जाएगी जिस डेट पर उसने चालान के थ्रू पेमेंट किया है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में जीएसटी लायबिलिटी के डिलेड पेमेंट के केस में ही इंटरेस्ट लायबल होता है। अकॉर्डिंगली चूंकि यहां पर पिटिशनर ने ड्यू डेट तक टैक्स पेमेंट कर दिया था, इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह आपने देखा कि इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने पिटिशनर को एक बड़ा रिलीफ प्रोवाइड किया और हेल्ड किया कि अगर जीएसटीआर 3B ड्यू डेट के बियॉन्ड फाइल की गई हो लेकिन एप्लीकेबल टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट विद इन ड्यू डेट जीएसटी पोर्टल पर चालान के जरिए कर दिया गया है तो टैक्स पेयर को इंटरेस्ट के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के लीगल इंपोर्ट सिर्फ डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में लगने वाले इंटरेस्ट से है। इस जजमेंट की एक और खास बात यह है कि इस जजमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी का डिस्चार्ज उस डेट से माना जाएगा जिस डेट पर उसने PMT 06 के थ्रू पेमेंट कर दिया है। ये जजमेंट एक सिग्निफिकेंट जजमेंट है क्योंकि जनरली जीएसटीआर 3B रिटर्न्स के जरिए ही टैक्स पेयर्स अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी को डिक्लेयर और सेट ऑफ करते हैं, चाहे वो कैश लेजर के थ्रू हो या क्रेडिट लेजर के थ्रू। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि जीएसटीआर 3B के जरिए सेट ऑफ की जाने पर ही लायबिलिटी डिस्चार्ज मानी जाती है। सेक्शन 39(7) में प्रोवाइड किया गया है कि जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइलर्स को अपने ड्यू टैक्सेस का पेमेंट संबंधित 3B फाइल करने की ड्यू डेट के विद इन करना होगा। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में ई क्रेडिट कैश लेजर के थ्रू टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज किए जाने पर डिलेड पेमेंट के केस में इंटरेस्ट लगाए जाने का प्रोविजन है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सेक्शन 39(7) में फ्रेज शैल पे को लेकर क्लैरिटी नहीं दी गई है। क्या यहां पर ड्यू टैक्सेस का पेमेंट 3B के जरिए सेट ऑफ किए जाने पर ही माना जाएगा या नहीं, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है और प्रोबेबली ये एक इंटरप्रिटेशन का इशू है। हम ये भी जानते हैं कि किसी मिस्ड आउट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट DRC 03 के जरिए भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ये सवाल उठना लाजमी है कि जहां पर 3B तो लेट फाइल की गई हो लेकिन ड्यू टैक्सेस का पेमेंट विद इन टाइम कर दिया गया हो तो क्या ये पेमेंट शैल पे में कंसिडर किया जाएगा या नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि अब तक डिपार्टमेंट भी यही स्टैंड लेता आया है कि कैश लेजर बैलेंस है लेकिन 3B या DRC 03 के जरिए सेट ऑफ नहीं हुआ है तो उस टैक्स लायबिलिटी का डिस्चार्ज नहीं माना जा सकता। लेकिन फैक्ट ये भी है कि जीएसटी पोर्टल पर चालान सक्सेसफुली जमा हो जाने पर गवर्नमेंट बैंकर के थ्रू वो अमाउंट गवर्नमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का ये जजमेंट एक सिग्निफिकेंट एंड फार रीचिंग जजमेंट कहा जा सकता है और इस डिसीजन का मेन करक्स ये है कि टैक्स पेयर ने अगर अपने ड्यू टैक्सेस का पेमेंट विद इन टाइम कर दिया हो और किसी भी रीजन से 3B टाइमली फाइल नहीं कर पाया हो तो भी उसके द्वारा किए गए पेमेंट को डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी में कंसिडर किया जाना चाहिए। जीएसटी से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, क्वेरी रेजोल्यूशन और केस लॉ एनालिसिस के लिए देखते रहिए आपका अपना द टैक्स एक्सप्रेस। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।